सनी देओल की गदर 2 और अक्षय की OMG 2 के बीच तगड़ा क्लैश चल रहा है, लेकिन इस क्लैश में, इस युद्ध में सनी देओल आगे निकल गए हैं। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने कमाई के मामले में आंधी ले आई है। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म के हर दिन कमाई के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कई रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी गदर 2 के आगे अपनी पकड़ बनाए हुए है। ऐसे में OMG 2 को भी थर्ड डे जंप मिला है और पहले दो दिनों से बढ़िया कमाई हुई है, लेकिन गदर 2 का तूफान बहुत हाई लेवल पर है, जिस वजह से फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मगर अक्षय की OMG 2 गदर 2 के मुकाबले पिछड़ गई है और गदर 2 के कलेक्शन के आगे अक्षय की फिल्म की कलेक्शन बहुत कम है। दरअसल संडे को गदर 2 ने 49.50 से 51.50 करोड़ के आसपास कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के थर्ड डे यानी कि 18% का सॉलिड जंप मिला है। पहले दिन शुक्रवार को गदर 2 ने 40.10 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन शनिवार को 43 करोड़ रुपए कमाए, वहीं तीसरे दिन यानी रविवार की छुट्टी का फायदा सनी देओल को मिला और इसकी कमाई करीब 51 करोड़ तक पहुँच गयी। लिहाजा तीन दिनों की टोटल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर करीब 135 करोड़ की कमाई कर ली है। अब ऐसे में जिस फिल्म को लेकर इतनी आंधी आई हुई है, उसके आगे किसी और फिल्म का टिकना मुश्किल सा ही लगता है। लेकिन अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की OMG 2 ने भी संडे को शानदार कमाई की है। पॉजिटिव रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ का पूरा असर इसकी कमाई पर दिखा है और यही वजह है कि किसी भी सिनेमा हॉल में OMG 2 को लेकर भी कोई जगह खाली नहीं थी। हाँ, वो अलग बात है कि गदर 2 की डिमांड की वजह से इसकी स्क्रीन्स ज्यादा हैं और OMG 2 को कम स्क्रीन्स मिली है। शुरुआती दो दिनों के मुकाबले संडे को इस फिल्म को 15% का ग्रोथ मिला है। हालांकि पहले दिन शुक्रवार को फिल्म को 10 करोड़ की ओपनिंग मिली थी, शनिवार को फिल्म ने 15 करोड़ की कमाई की थी, अब संडे रविवार को इसकी कमाई 18 करोड़ तक पहुँच गयी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अक्षय की फिल्म अपने तीनों दिनों में 43.56 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, जो कि अक्षय के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। इस हिसाब से इस कलेक्शन को देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि अक्षय की फिल्म OMG 2 अपने पहले वीक में भी ठीक ठाक कमाई करेगी। और तो और, अभी 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे है, तो छुट्टी का फायदा भी इन दोनों ही फिल्मों को मिलेगा। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो गदर 2 अपने 5 दिनों के वीकेंड में 200 करोड़ के करीब कमा लेगी, तो वहीं अक्षय कुमार की फिल्म भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल यानी कि 15 अगस्त को फिल्म देखने के लिए किस कदर लोग थिएटर में जाते हैं और इन दोनों फिल्मों को आज और कल में कितने करोड़ का कलेक्शन होता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।